यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा स्वच्छता। यहाँ पंचायत में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ना ही हर घर में बाथरूम है। हर घर में गोबर लकड़ी से ही चूल्हा जलाया जाता है, जबकि सरकार ने हर किसी के लिए गैस सिलेंडर दिया है। दिया हाँ, अब तो किसी को नहीं मिला। किसी को कितना पैसा दिया? 200 200 रुपया लगा, सिर्फ 200 रुपया लगा ना। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 80 के ऊपर सब लोग आते हैं। कितने लड़के कितने आपके? बेटा बेटी कुछ नहीं है आपका? बेटी है, बेटी है, पांच बेटी है, लड़का नहीं है। यहीं पे इन लोगों को पेंशन के लिए सबसे पहले बात है कि इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। केंद्र सरकार हर महिलाओं को 60 के ऊपर जिनका उम्र हो जाता है, केंद्र सरकार ने उनको वृद्धा पेंशन चालू किया है, मगर इनको वृद्धा पेंशन किसी को भी नहीं मिला है। ये अपना गुजर बसर जीवन यापन यहाँ वहाँ काम करके, खेतों में मजदूरी करके, दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चे को खिला रही है, पिला रही है। यहाँ पे बहुत सारे गोलमाल हैं। यहाँ के जो नेता हैं, जो भी नेता हैं, उनके अंदर बहुत सारे गोलमाल हैं। वृद्धा पेंशन कभी मिलता है, कभी मिलता नहीं है, किसी को मिलता है, मगर और भी महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन में कोई भी सुविधा नहीं है। तो मैं न्यूज आज तक आजकल के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को ये बताया जाए, और आप लोग अपने नेता से जाकर के पूछिएगा, बोलिए कि हमको केंद्र सरकार सब चीज़ दे रही है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग का हक है, आपने उनको वोट दिया है, जिताया है। आप उनको वोट नहीं देते तो नहीं देते। तो आप शराबबंदी से सब महिलाएं खुश हैं। नीतीश जी ने एक काम बिहार में बहुत अच्छा किया है कि शराबबंदी किया है, जो हर कोई खुश है उनसे, मगर कुछ प्रॉब्लम और है जिनको सुविधाएँ मिलना चाहिए। स्कूल का स्थिति पंचायत भवन है, इसका 2 साल निर्माण का हुआ, इसका स्थिति जर्जर स्थिति है, पीछे से बाहर का पानी इसको खोखला कर चुका है, तो कभी भी गिर सकता है जी। तो ये सब पर ध्यान दिया जाए। बाकी गटर का जो सुविधा है, नालियां का जो सुविधा दिया गया है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, गटर का पानी पूरा जाम हो चुका है। तो न्यूज आजकल के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहूँ, बताना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए,